Hello everyone, I am Shivani Pulse from Science Activity Center, ICER Pune. आज मैं आपके साथ सीलिंग फैन का इंटरनल कंस्ट्रक्शन कैसा होता है और कैसे वो काम करता है, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सीलिंग फैन, उसके ऊपर डिस्कशन करने वाली हूँ. सो लेट्स सी द सीलिंग फैन इनसाइड. जनरली सीलिंग फैन जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मोशन एनर्जी या मैकेनिकल मोशन एनर्जी में कन्वर्ट करता है, राइट? तो जब भी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल मोशन एनर्जी, तो हमारे दिमाग में एक डिवाइस आता है जिसको हम बोलते हैं मोटर, कि जनरली ये मोटर से ये काम हो सकता है. तो मोटर पे कैसे काम होता है, तो पहले हम देखते हैं कि मोटर कैसे काम करती है, हाउ मोटर इज वर्क. तो मोटर का जो मेन कंसेप्ट वो है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है थ्रू द मोटर. सो व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, द कंडक्टर एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स, दिस इज द मोटरिंग एक्शंस. मतलब जब हम कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे और उसको जब हम सप्लाई देंगे इलेक्ट्रिकल सप्लाई, सो उस टाइम पे हम देखेंगे कि एक मोटरिंग एक्शंस जनरेट होती है, दैट इज इन अ मैकेनिकल एनर्जी. सो यहाँ पे आपको सिंपल एक मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल दिखाया हुआ है. देयर इज अ वन कॉइल व्हिच इज कैरिंग द कंडक्टर थ्रू द बैटरी सेल्स और उसके नीचे एक मैग्नेट है. जब भी हम बैटरी से कॉइल को सप्लाई देते हैं, दैट टाइम दैट कॉइल इट विल बी रोटेटिंग. सो दिस इज अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ द मोटर. अभी मोटर के अंदर क्या होता है, तो मोटर है जनरली टू पार्ट्स. वन इज द स्टेटर, जो स्टेशनरी पार्ट रहता है, और जो दूसरा है दैट इज रोटर, जो रोटेटिंग पार्ट रहता है. तो इंटरनल मोटर का जो कंस्ट्रक्शन है लाइक दैट कि स्टेटर है वो स्टेशनरी है जिसमें नंबर ऑफ वाइंडिंग्स है, और रोटर है एक रॉड है जहां पे वो रोटेशनल मूवमेंट देता है, राइट? सो अभी हमारे घर पे हम बहुत सारे डिवाइसेस यहाँ पे देखते हैं जो मोटर के थ्रू रन होते हैं, लाइक अपना टेबल फैन हो गया, मिक्सचर हो गया, अपना वॉशिंग मशीन हो गया. हर एक के अंदर एक मोटर का एक डिवाइस होता है, एक डिवाइस रहता है जिसको हम मोटर बोलते हैं, जिसकी वजह से वो रन होता है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी मोशन एनर्जी में कन्वर्ट करता है, राइट? तो अभी क्या सीलिंग फैन में मोटर होता है? हैव यू एवर सीन द मोटर इनसाइड द सीलिंग फैन? अगर आपका आंसर यस है, तो सीलिंग फैन में मोटर है, तो वो कहाँ पे लगाया हुआ है, या वो रोटेट, अगर यहाँ आप देखोगे कि सीलिंग फैन का जो बॉडी है वो पूरा ब्लेड के साथ रोटेट होता है, तो मतलब ऐसा हुआ कि वो रोटेटिंग मूवमेंट विद द मोटर हो रहा है, मतलब मोटर का स्टेशनरी पार्ट है वो भी रोटेट कर रहा है. और अगर स्टेशनरी पार्ट भी रोटेट कर रहा है, तो उसको इलेक्ट्रिकल पावर कहाँ से मिलता है? सो दैट वी हैव टू कंसिडर कि अगर सीलिंग फैन में मोटर है, तो वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो कहाँ पे माउंट किया हुआ है, और उसको हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई कैसे देते हैं. हमें पता है कि जैसे ही सीलिंग फैन को हमने इलेक्ट्रिकल सप्लाई दिया, वो मोशन एनर्जी को एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, एंड देन इट विल बी रोटेटेड, राइट? अगर उसमें मोटर नहीं है, तो वो कैसे काम करता है? विदाउट इलेक्ट्रिकल एनर्जी द फैन इज नॉट वर्किंग, राइट? तो अगर मोटर नहीं है, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मोशन एनर्जी में कन्वर्ट कैसे करता है? सो लेट्स सी इनसाइड द व्यू ऑफ सीलिंग फैन. तो अगर हम सीलिंग फैन को खोल के देखेंगे, तो उसके अंदर का जो कंस्ट्रक्शन है वो लाइक इस इमेज में आपको दिखाई दे रहा है कि एक वाइंडिंग है और एक छोटा सा एक यहाँ पे पॉइंट आउट कर रही हूँ मैं, एक जो डिवाइस है उसको बोलते हैं दैट इज द कैपेसिटर. तो सेम इन द मोटर जैसे होता है, मोटर में टू पार्ट्स रहता है, स्टेटर एंड रोटर, सेम सीलिंग फैन में भी स्टेटर और रोटर रहता है, बट वो फिजिकल पार्ट जो मोटर है वैसा नहीं रहता है. देयर इज सम बेसिक प्रिंसिपल्स विच आर इंट्रोड्यूस्ड इन द सीलिंग फैन इटसेल्फ. तो यहाँ पे स्टेटर है और ये रोटर है. जो स्टेटर है वो उसमें टू वाइंडिंग्स है, और रोटर है वो एक एल्यूमिनियम डिस्क रहता है जिसके साथ अपना जो फैंस की जो विंग्स है वो लगाई हुई रहती है, राइट? सो दिस इज द इनसाइड व्यू ऑफ द मोटर. अभी यहाँ पे ये स्टेटर है वो फिक्स रहता है, और रोटर रोटेट कैसे होता है? तो यहाँ पे टू वाइंडिंग्स है, तो एक कैपेसिटर का यूज क्या है? हमें पता है कि हम जो सीलिंग फैन को सप्लाई देते हैं वो अपना अल्टरनेटिंग करंट है, राइट? दैट इज अ फ्लक्चुएटिंग करंट. तो यहाँ पे जो वाइंडिंग है वो टू वाइंडिंग है, एक वाइंडिंग है जिसको हम बोलते हैं मेन वाइंडिंग, और जो दूसरा वाइंडिंग है उसको हम बोलते हैं रनिंग वाइंडिंग. अभी ये जो दो वाइंडिंग है उसको इस हिसाब से अरेंज किया हुआ है कि उसके बीच में 90
डिग्री फेज शिफ्ट है, मतलब बोथ वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन सीरीज। और जब हम उसके सीरीज में, मतलब रनिंग वाइंडिंग के सीरीज में जब हम कैपेसिटर लगाते हैं, तो वो कैपेसिटर का फंक्शन क्या है, कैपेसिटर क्या कर रहा है, आपके करंट को लीड कर रहा है, राइट। उसमें वोल्टेज सेम है बट इट विल बी लीडिंग द करंट। सो करंट लीड होने की वजह से क्या हो रहा है, आपका जो मेन वाइंडिंग के से पहले ही रनिंग वाइंडिंग है वो एक फ्लक्चुएशंस में आ जाती है, और उसकी वजह से हमें जो रोटेटिंग मूवमेंट मिलती है वो इन अ कंटिन्यूअस मैनर, इन अ फ्लक्चुएटिंग रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड वहां पे प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से हमारा जो सीलिंग फैन है वो काम कर रहा है। सो दिस इज द वे हाउ द सीलिंग फैन वर्क विदाउट एनी हार्डकोर मोटर। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। थैंक यू।